हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड जीरा पाउडर और रोस्टेड धनिया पाउडर। ये पाउडर आप घर पे इजीली बना सकते हैं और एक महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आइए तो चलिए सबसे पहले हम रोस्टेड जीरा पाउडर बनाएंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है जिसे अच्छा गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं हाफ कप जीरा डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। 2-3 मिनट तक धीमी आंच पे इसे रोस्ट करेगा। इसका रंग बदलने तक इसे रोस्ट करना है, फिर आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। ये देखिए, इसका अब रंग चेंज हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे कंटिन्यू चलाते रहूंगी कढ़ाई में ही। इसे आपको पूरी तरह से ठंडा करना है। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी रख सकते हैं, बट आपको कंटिन्यू चम्मच से हिलाते रहना होगा। कढ़ाई गर्म होने की वजह से ये और रोस्ट हो सकता है, इसलिए आप चाहें तो इसको प्लेट में निकाल के ठंडा भी कर सकते हैं। इसे अब मैं प्लेट में निकाल के ठंडा कर रही हूँ। रोस्टेड जीरा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसे मैंने मिक्सर के जार में डाल लिया है। अब इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। जीरा पाउडर को आप महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दीजिएगा ताकि ये अच्छा रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। आइए अब हम रोस्टेड धनिया पाउडर बनाएंगे। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। मैंने कढ़ाई को अच्छा गर्म कर लिया है। इसमें अब मैंने हाफ कप साबुत धनिया डाला है। इसे अब मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये रोस्ट हो चुका है, इसका रंग चेंज हो गया है। इसे भी मैंने लो फ्लेम पे ही रोस्ट किया है। अब इसे अच्छे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूंगी। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने मिक्सी के जार में डाला है। अब इसका भी हमें फाइन पाउडर करना है। इसे भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजी है ये प्रोसेस। इजीली घर का बना हुआ धनिया जीरा पाउडर यूज कर सकते हैं। रोस्टेड जीरा पाउडर और रोस्टेड धनिया पाउडर का बना हुआ साफ सुथरा रोस्टेड जीरा धनिया पाउडर बनके रेडी। बाजार से लाने से अच्छा घर पे बनाएं और स्वस्थ रहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।